Mind putting your mask back on? Super hard to eat while I'm wearing it. It's super hard to eat when you're not. All Rudd finally aged. सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिल्म अपडेट। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ डेडपूल एंड वुल्वरीन के क्रेडिट सीन के बारे में और टॉबी मैग्वायर के कैमियो के बारे में इन डेडपूल एंड वुल्वरीन। अभी डेडपूल एंड वुल्वरीन का एक नया टीवी स्पॉट या एक नया फुटेज सामने आया जिसके अंदर हम डेडपूल एंड वुल्वरीन को एक कैफे के अंदर खाना खाते हुए देखते हैं, जहां पर वुल्वरीन डेडपूल को यह कह रहा होता है कि उसे अपना मास्क पहन लेना चाहिए। पर डेडपूल वुल्वरीन को तब कहता है कि मैं मास्क पहन के कैसे खाना खा सकता हूँ। तब वुल्वरीन बेसिकली डेडपूल के ऊपर एक जोक मारता है, ये कहता है कि अगर तुम मास्क उतार दोगे तो बाकी लोग भी खाना नहीं खा पाएंगे। इसके बाद डेडपूल एंटमैन के ऊपर एके एंटमैन के एक्टर के ऊपर यानी कि पॉल रेड के ऊपर एक जोक मारता है, जहां पर वो बोलता है कि पॉल रेड आखिरकार ओल्ड हो गए, क्योंकि इस ट्रेलर के अंदर हमें एंटमैन का एक डेड बॉडी दिखाया गया है। यहाँ पे बेसिकली डेडपूल फोर्थ वॉल ब्रेक करके एंटमैन के एक्टर पॉल रेड पे एक जोक मार रहा है, क्योंकि पॉल रेड को ऐसा कहा जाता है कि वो एज नहीं करते हैं और वो अपने एज के मुताबिक काफी ज्यादा यंग दिखते हैं। तो इसी के ऊपर बेसिकली डेडपूल एक जोक मार रहा होता है। तो ये एक काफी छोटा फुटेज या टीवी स्पॉट था जो कि रिलीज हुआ, पर ये इंटरेस्टिंग इसीलिए है क्योंकि जिस कैफे के अंदर डेडपूल और वुल्वरीन खाना खा रहे थे उसके वॉल्स पे जोईज ऑमलेट एंड जोईज सॉप ऐसा लिखा होता। अब बहुत सारे दिनों से ऐसे रूमर्स चल के आ रहे हैं कि डेडपूल और वुल्वरीन के अंदर हमें जोईज पिज्जा दिखने वाला है फ्रॉम स्पाइडरमैन 2, और टॉबी मैग्वायर का स्पाइडरमैन भी हमें देखने को मिलने वाला है इस मूवी के अंदर। तो अगर ये शॉप सेम शॉप है फ्रॉम स्पाइडरमैन 2, तब तो ये लगभग कंफर्म है कि टॉबी मैग्वायर का स्पाइडरमैन इस मूवी के अंदर कैमियो करने वाला है। अब वो अभी इस मूवी के अंदर होगा या क्रेडिट सीन के अंदर, ये कहना मुश्किल है। पर कुछ दिनों पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी जहां पर मैंने आपको बताया था कि टॉबी मैग्वायर का स्पाइडरमैन ऐसा हो सकता है कि आपको डेडपूल और वुल्वरीन की मूवी के अंदर देखने को मिले इन द क्रेडिट सीन। तो मे बी ये कैफे उसी से रिलेट कर रहा है या उसी के लिए ईस्टर एग है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस कैफे के सामने एक बड़ा सा फील्ड है और ये कैफे डेफिनेटली न्यूयॉर्क सिटी के अंदर नहीं है, पर जो जॉइस कैफे था इन स्पाइडरमैन 2 वो डेड सेंटर में था न्यूयॉर्क सिटी के। तो ये शॉप सेम शॉप तो नहीं है फ्रॉम स्पाइडरमैन 2, पर मे बी ये सेम आउटलेट हो सकता है किसी और जगह पे, या फिर ये आउटलेट मे बी प्रून होके वॉइड के अंदर आ गया है और उसी के अंदर डेडपूल और वुल्वरीन खाना खा रहे हैं, मे बी ऐसा भी हो सकता है। इसके अलावा अभी कुछ दिनों पहले ऐसे भी प्लॉट लीक्स निकल के आए थे कि डेडपूल और वुल्वरीन के अंदर डेडपूल और वुल्वरीन डिफरेंट टाइमलाइंस में जाएंगे या डिफरेंट फेजेस ऑफ मार्वल में जाएंगे, और डेडपूल और वुल्वरीन एमसीयू के फेज 1 से लेके फेज 4 के किसी भी इवेंट के दौरान अपीयर कर सकते हैं और उस इवेंट के दौरान हो रहे किसी भी हीरो का कैमियो इस मूवी के अंदर हो सकता है। ये प्लॉट लीक मोस्ट प्रोबेबली आपने सुन ली होगी। इस प्लॉट लीक के ऊपर एक सेपरेट वीडियो, इस प्लॉट लीक से रिलेटेड एक सेपरेट थ्योरी वीडियो मेरे चैनल पर जल्दी आएगी, तो उस वीडियो के लिए भी जरूर वेट करें। पर अगर ऐसा है कि अगर डेडपूल और वुल्वरीन डिफरेंट इंसिडेंट्स में जाने वाले हैं थ्रू आउट द मार्वल हिस्ट्री, तो ऐसा भी हो सकता है कि वो सिर्फ एमसीयू के इंसिडेंट्स को विजिट ना करे बल्कि वो मार्वल के कंप्लीट हिस्ट्री को विजिट करे और उसके अंदर टॉबी मैग्वायर और एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन मूवीज भी आ जाते हैं और डेफिनेटली एक्समैन की मूवीज तो आते ही हैं। जैसे कि मैंने कुछ दिनों से आपको बताते आ रहा हूँ कि इस मूवी के अंदर आप काफी सारे कैमियोज एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो इस फुटेज के बाद अब ये भी लग रहा है कि सारे रूमर्स इस मूवी के कैमियोज रिलेटेड सच हैं और टॉबी मैग्वायर का स्पाइडरमैन मोस्ट प्रोबेबली आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिल सकता है। बाकी आप इस मूवी के लिए कितने एक्साइटेड हो ये मुझे कमेंट्स में बताना भूलें। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर ले और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि जब भी मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। एंड एज ऑलवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग।